कौन है पंजाबी ने किया कविता कौशिक को सपोर्ट और लगाई निकी तांबुली और इजाज़ खान की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, अगर हम बात करें बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी के बारे में, तो इस समय काम्या पंजाबी बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में काम्या पंजाबी ने जो इजाज़ खान और कविता कौशिक की लड़ाई हुई थी, उस पर अपना रिएक्शन जाहिर किया है। काम्या पंजाबी का कहना है कि जब से कविता कौशिक आई हैं, तभी से गेम इंटरेस्टिंग हुआ है निकी तांबोली, क्योंकि निकी तांबोली ने कल कहा था कि पहले तो ये कह रही थी कि मेरे आने पे गेम इंटरेस्टिंग होगा, ये होगा, और अब लड़ाई हो रही है। वेल, इसी का जवाब देते हुए कविता कौशिक को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे काम्या पंजाबी कहती है कि जब से कविता कौशिक शो में आई है, तभी से शो में उनको मज़ा आ रहा है, शो देखना वो पसंद कर रही हैं। और कविता कौशिक को टैग करते हुए उन्होंने कहा है, वेल डन कविता कौशिक, आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उस घर में कोई अपना नहीं होता है। थैंक्स टू इजाज खान द क्रेडिट गोज टू यू, यानी कि ये क्रेडिट इजाज खान को जाता है कि उन्होंने कविता कौशिक को बहुत ही जल्द ये रियलाइज करवा दिया कि इस घर में कोई अपना नहीं होता है। वेल, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि कविता कौशिक और इजाज खान के बीच में कल फाइट हुई थी, जहाँ पे इजाज खान को लेके कविता कौशिक ने अब्यूज भी किया था। वेल, आई पर्सनली डोंट थिंक कि जो बातें काम्या पंजाबी कह रही है वो सही है, बिकॉज आई थिंक कि यहाँ पे इजाज खान सही थे और कविता कौशिक जो है मेलो ड्रामा कर रही हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी राय किसके लिए सही है, कविता कौशिक या फिर इजाज खान। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है ना, मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।